अगर औरत में ये 20 क्वालिटीज़ हैं तो उसे हरगिज़ जाने ना दो। आज की वीडियो में हम एक अच्छी लड़की की खसूसियात पर नज़र डालेंगे। अगर ये खूबियाँ किसी लड़की में पाई जाएं तो 100% इम्कानात हैं कि उसके ताल्लुकात अपने मर्द से कामयाब रहेंगे। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ताल्लुकात में दोनों तरफ से यकसा और भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हर चीज़ दोनों की तरफ से चलती रहे, और ये अशद ज़रूरी भी है। तो आएं उन अच्छी आदतों को जानें कि जिससे हम अपने ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम बना सकते हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुँच जाएगी और आपको मेरी वीडियोज़ को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली क्वालिटी, जब वो जज्बाती तौर पर मुस्तहकम हो और उसने कभी आपके भरोसे को ठेस ना पहुंचाई हो। दूसरी क्वालिटी, जब वो समझदार हो, जब आपको लगे कि वो आपका जिंदगी में भरपूर साथ देगी, जब वो आपकी तरह आगे बढ़ने का सोचती हो। तीसरी क्वालिटी, जब वो आपकी खातिर सब कुछ करने को तैयार हो, उसे आप पर पूरा भरोसा पूरा एतमाद हो। चौथी क्वालिटी, जब वो आपको लेकर अपने और आपके मुस्तकबिल की बातें करे, ठंडे मिजाज की और जल्दबाज ना हो। पांचवी क्वालिटी, किसी के साथ होने का कोई फायदा नहीं जब तक कि वो अच्छा ना लगे, अगर वो आपको अच्छी लगे तो जाने ना दो। छठी क्वालिटी, जब वो सबको साथ लेकर चले, यानी ऐसा ना हो कि वो सबसे अलग अलग रहे बल्कि सबके साथ घुल मिल जाए। सातवीं क्वालिटी, जब उसे दुनिया में कोई खास दिलचस्पी ना हो बल्कि उसे दिलचस्पी हो आप में, जब उसे आपसे सिर्फ आपसे मोहब्बत हो। आठवीं क्वालिटी, अक्सर ऐसा होता है कि किसी बात में बहस छिड़ जाए तो गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन उसे दलाइल देते वक्त जल्द गुस्सा ना आए, यानी ठंडे मिजाज की हो। नवीं क्वालिटी, जब वो अपना ख्याल रखती हो और आप ही उसके साथ सब कुछ हो, जब आपको लगे कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो। दसवीं क्वालिटी, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार हों, एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद हो और आपस में बहुत खुश हों। 11वीं क्वालिटी, जब वो आपको अपनी दोस्तों और फैमिली से ज़्यादा अहमियत दे, जब आप उसकी ज़िंदगी के महवर हों। 12वीं क्वालिटी, जब आप दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ गुजरता हो, जब आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ना पाते हों। 13वीं क्वालिटी, जब वो आपको अच्छे से जानती हो और उसे आपकी खामियों का अच्छे से इल्म हो, इसके बावजूद वो आपको कबूल करे। 14वीं क्वालिटी, जब उसकी पहली कोशिश ये हो कि आप उसके साथ अपने आप को बेहतर महसूस करें, खासकर जब आप बीमार हों तो वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। 15वीं क्वालिटी, जब आप दोनों के शौक, आप दोनों के मशागिल, आप दोनों के सोचने का अंदाज एक जैसा हो। 16वीं क्वालिटी, जब उसे इस बात का इल्म हो कि आपने कुछ गलतियां की हैं तो उसे इत्मीनान और यकीन हो कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे हो ही नहीं सकते। 17वीं क्वालिटी, जब वो आपके एहसासात को समझती हो, उन्हें सबसे ज़्यादा अहमियत देती हो, उसे इस बात का इल्म हो कि आपकी खुशी ही उसकी खुशी है। 18वीं क्वालिटी, हर इंसान खता का पुतला है, गलती तो इंसान से हो ही जाती है, इसी तरह जब आपसे कोई गलती हो जाए और वो उसे याद ना रखे बल्कि जाने दे।
19वीं क्वालिटी, जब आप उसके नज़दीक सबसे अच्छे इंसान हों, क्योंकि ऐसा होना ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20वीं क्वालिटी, जब वो आपके साथ हो तो उसमें एतमाद बढ़ जाए, जब वो आपके बगैर खाली खाली दिखाई दे, जैसे उससे उसका सब कुछ छिन गया हो। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।